गाइस अभी जो हमारे साथ में हुआ है ना, लिटरली हमारे पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। क्यों, क्या हुई? टाइम देखो भाई, 4 बज गए हैं। हम 12 बजे हम 12 बजे एयरपोर्ट पहुंच गए थे और 4 घंटे हो गए हमको एयरपोर्ट पे, और हमारी फ्लाइट मिस हो चुकी है। ये भगवान क्या जुलम है साला, ये दुख का खत्म नहीं होता बे। हमने एजेंट से बुक कराई थी, टिकट पे लिखा होता कि 3 बजे की फ्लाइट है हमारी, लेकिन हमारी सुबह जा चुकी है फ्लाइट भाई, सुबह 6 बजे की फ्लाइट थी हमारी। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। अभी तक 4 घंटे हो चुके हैं, अब जाके हमको टिकट मिली है, वो भी कल की, कल रात की, 9 तारीख की रात की। वो भी 2 बजे की टिकट मिली हमको। टिकट्स और भी मिली थी, लेकिन 5-5 लाख की टिकट्स थी। हां, 5-5 लाख की टिकट मिल रही है, 5-5 लाख की सिर्फ जाने जाने की। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया? और देखो 4 बज गए, 4 घंटे से हम एयरपोर्ट पे डोल रहे हैं, कभी किसी से हेल्प मांगा, लेकिन फाइनली हमारी हेल्प की एयर इंडिया वाले, पूरे स्टाफ ने, सब्सक्राइबर था हमारा, तो उन्होंने हमको टिकट अरेंज कराई है, वो भी 2 दिन बाद की, मतलब आज का पूरा दिन, कल का पूरा दिन, परसों की रात की टिकट मिली हमको। गजब बेइज्जती भाई, दिल्ली में 2 दिन, मेरा कल बर्थडे है, कल पूरा दिल्ली बंद है, बर्थडे के दिन पूरा दिल्ली बंद है, दिल्ली से बाहर नहीं आ सकते। टेंशन मत, एयरपोर्ट पे मनाएंगे हैप्पी बर्थडे। नहीं, बर्थडे की टेंशन नहीं हो रही गाइस, लेकिन हमारा प्लान था ना मीटअप करने का, लंदन जाने का। और बोल भैया ने मेरा बर्थडे प्लान कर रखा था वहाँ पे, पूरा सरप्राइज प्लान कर रखा था, बहुत पैसे भी भर रखे थे वहाँ पे, बहुत प्लान कर रखा था बोल भैया ने, वो सारा कैंसिल हो गया बोल भैया। अगर हमको पता होता ना हमारी फ्लाइट सुबह 6 बजे की है, अभी तक हम लंदन पहुंच जाते भाई। आज लाइफ का सबसे बड़ा पोपट हुआ है मेरा, सबसे बड़ा पोपट, जिसमें पैसे भी घुसे, टाइम भी घुसा, बर्थडे भी घुसा, बोल भैया के बहुत पैसे, बहुत मेहनत, बहुत कुछ। अगर हमको टिकट मिल जाती ना अभी की, हम पैसे भर के ले लेते, बट टिकट मिली नहीं रही है, 2 दिन बाद की मिली है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे।